मुलानिया आरसपुरा जम्मू में अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब बच्चों का जो जे एंड के स्टेट बोर्ड से हो, और इसमें हमने फर्स्ट से लेकर टेंथ तक सारे लेसन बना रहे हैं और डाल रहे हैं ताकि बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आज मैंने जो लेसन लिया है वो इंग्लिश क्लास सेवेंथ का है, और ये लेसन नंबर टू है। ये पोईम है विंडो। ये जो बुक है ये जे एंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रकाशित है। इस बुक को हमने बेस बना के लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टोरी आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये एक कविता है एक बच्चे की जो अपनी क्लास की तरफ जाता है और चलते चलते कॉरिडोर में उसकी नजर बहुत चीजों पर पड़ती है। कुछ ऐसे द्रव्य और अजीब और हैरान करने वाली चीजों को देखता है। उसकी नजर कभी अफ्रीका के हाथियों पर पड़ती है, कभी विमानों को बादलों के ऊपर चलते देखता है, कभी फुवारे और कभी आइसबर्ग पर नजर पड़ने के साथ साथ ही वह बहुत लोगों को बिल्लियों के साथ लड़ता और खेलता देखता है। सर्दी के कारण बहुत लोगों को परेशान पाता है। कक्षा के बाहर वह चीजें देखने का शौक काफी है। जब कक्षा में वापस जाता है तो उसकी वही दुनिया, वही तो चीज हैरान करने वाली नहीं है। कभी जब वो बाहर देखता है तो खेल के मैदान पर कोई नहीं है, मकान वही, कारखाने वही। उसकी इच्छा है कि वो कक्षा के बाहर ही रहे, और बच्चे की इच्छा ये है कि वह कक्षा के बाहर ही रहे और एक कक्षा में जाकर दूसरी कक्षा में जाता रहे और संदेश देता रहे। बच्चा अक्सर चाहता है कि दफ्तर में जाकर दफ्तर से कागज लेना चाहता है ताकि चलने फिरने का अवसर मिलता रहे, और वह द्रव्य चीजें जिस उसको किताबों में भी मिलती हैं उन पुस्तकों के बाहर वाले कवर भी बहुत कुछ दिखाते हैं। ये पोइम की समरी थी हिंदी में। अब हम पोइम की समरी करते हैं इंग्लिश में, और इसमें जो दिया है इसमें है पोइम इज अबाउट द स्टूडेंट। जैसा मैंने पहले कहा कि ये कहानी बच्चे की है, तो यही लाइन इंग्लिश से हमारा मतलब है कि ये जो पोइम है किसके बारे में, स्टूडेंट में। स्टूडेंट वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर। जो स्कूल में क्लास के बाहर कॉरिडोर था उस बहुत लंबा था। ही सीज सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। बहुत अलग अलग किस्म की चीजें देखता है। लुक्स अराउंड थ्रू द विंडो, सीज मैनी प्लेसेस ही हैज नेवर विजिटेड। ही सी एलिफेंट्स इन अफ्रीका, जेट एयरलाइनर विच इज क्रूजिंग फॉर अबव द व्हाइट क्लाउड्स। He sees waterfalls, iceberg, and many other things. He is always willing to carry messages or registers to other class or office, as it gives him a chance of seeing these things again and again. Windows have been compared to the book jackets. इसके बेस के ऊपर हम अगर इस लेसन में देखें तो हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं जो आपके लिए न्यू होंगे, मैं उनके में से 9 वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला वर्ड है कॉरिडोर, इट इज ए लॉन्ग पैसेज। हिंदी में भी लिखा हुआ एक लंबा रास्ता, और उर्दू में भी है एक लंबा रास्ता। पिक्चर जैकेट्स, कवर ऑफ बुक्स विद पिक्चर। जब हम किसी बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हैं पुस्तकों के बाहर वाले कवर को, और वही उर्दू में लिखा हुआ है किताबों के बाहर वाले कवर को। कलरफुल मीन्स ब्राइट, ब्यूटीफुल, सुंदर और चमकदार। क्रूजिंग ट्रैवलिंग, क्रूजिंग मीन्स ट्रैवलिंग करते रहना, चलते रहना, सफर करते रहना, और यही उर्दू में भी लिखा हुआ है। सबरे टूथ, नेम ऑफ ए वाइल्ड कैट, एक जंगली बिल्ली का नाम है। क्वार, शिवर टू बी इन स्टेक ऑफ फियर, जब किसी को किसी चीज से भय लगता है। डेजर्टेड, वेयर देयर इज नन, कोई चीज ना हो वहां पे, तो इट इज अ डेजर्टेड लुक। गेज, टू लूम, लुक एट, टिकटिकी लगा के देखना। बिलिंग, वंस चॉइस, ब्रिंगिंग हैप्पी टू डू समथिंग। सो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, जैसे रीडिंग इज फन, वेयर डज द स्पीकर वॉक। तो सिंपल था, द स्पीकर जो स्टूडेंट था वॉक्स डाउन द कॉरिडोर, तो यही से हमने लिखा द स्पीकर वॉक्स डाउन द कॉरिडोर। क्वेश्चन से ही आंसर को फ्रेम किया हुआ, सिर्फ कौन सा वर्ड आपने अपने से लिखना है
कॉरिडोर, व्हाट इज व्हाट व्यू डज ही गेट फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम, इज इट डल और एक्साइटिंग, पिक आउट द वर्ड्स इन स्पोर्ट ऑफ योर आंसर. He sees elephants, jet airliners traveling above the clouds, waterfalls, icebergs, cavemen fighting with cat. It is exciting. तो ये था सेकेंड क्वेश्चन कि उसको क्या क्या दिखा, किस व्यू को उसने देखा, कि उसने एलिफेंट्स को देखा, वो साउथ अफ्रीकन एलिफेंट्स थे, जेट एयरलाइनर था, ट्रेवलिंग अबव द क्लाउड्स, वाटरफॉल्स थे, आइसबर्ग्स थे, केवमैन फाइटिंग विद कैट. इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग. व्हाई डज द फैमिली कोर इन ए केव, मे बी इट इन ए कोल्ड आउटसाइड. उस फैमिली को क्यों कोर कर रही थी, उसको एक डर लग रहा था, इट इज कोल्ड आउटसाइड. व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हाई ए वर्ड आई नो वेल, He has been seeing all these things. He knows things around. He knows everything. Well, he used to be in these surrounding. What does the speaker mean by a word I know well? He has been seeing all these things. He knows things around. He knows everything well. He is used to be these in surrounding. Why is the playground deserted? The students are in the क्लासरूम. सो प्ले ग्राउंड में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसको क्या लगता है, डेजर्टेड लुक. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन द स्टैंजा थ्री. ही सीज डेजर्टेड प्ले ग्राउंड, द क्लाउड स्काई, रोज ऑफ होर्सेस, चिमनीज, फैक्ट्रीज एटसेट्रा. व्हाई इज द स्पीकर विलिंग टू टेक रजिस्टर मैसेज, ही वॉन्ट्स टू वॉक डाउन द कॉरिडोर एंड गेज वंस more to see things outside his classroom. Who is I in the poem? I is the school boy. This is the simple question answers. So we now go for the comprehensions. कुछ एक्सट्रैक्ट हमने लिए हैं, जैसे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट मैंने इसके फर्स्ट पैराग्राफ से लिया है पोइम से. ऑन द वे टू माय क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, पास्ट द हंड्रेड ऑफ बुक्स, देयर पिक्चर जैकेट्स कलरफुल एंड ब्राइट, ईच वन ए विंडो ऑन हिज वर्ड्स आई नेवर विजिटेड. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, नेम द पोइम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड. तो द नेम ऑफ द पोइम इज विंडोज, या द नेम ऑफ द पोइम इज विंडो, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड. यू कैन राइट एज यू लाइक. वेयर डज ही वॉक डाउन, ही वॉक्स डाउन थ्रू द लॉन्ग कॉरिडोर. थर्ड क्वेश्चन, What does the things he passed while walking down? He passed the hundred of books and their picture jackets while walking down the long corridor. So fourth question, what have books have picture jack have picture jack have picture jack have picture jack have picture jackets on them? Fifth question, what has been called a window into onto words I never visited. This is the fifth question. Books wear their picture jackets. These pictures have not been visited by the. So extract two, जो second paragraph है उससे लिया गया. You can see elephants on the plain in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth. While the family covers in a course in a cave. What can the poet see on a plain in Africa? The poet can see elephants on the plain in Africa. Where is the jet airliner cruising? The jet airline is cruising above the white clouds, waterfalls and icebergs. Who cowers in the cave? The cavemen are fighting in a saber tooth. Who cowers in a cave? The family of the caveman cowers in a cave.
नेम द पोइट ऑफ द पोइम फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड. द नेम ऑफ द पोइट इज बेस मैगी. So it is extract 3. Such places, such a world. Back in the class, there are windows looking into the world. I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimneys of the closed down factory. Where does the poet come back? The poet comes back to the class. What is there in the class? In the class there are windows. The playground deserted because everyone is studying in the class. Playground is deserted because every student is studying in the class. What does the poet see? Fourth question. The poet sees the deserted playground, the grey November sky, rows of houses and chimneys of the factory. What does the poet see beyond the houses? The poet sees chimneys of the closed down factory beyond the houses. So, ye three extracts hai. Ab, for example, you have to write a description about your classroom. It is just, I have given you just sample. You can change it with the help of your teacher. My classroom is very weak and spacious. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. माई क्लास रूम इज वेरी ब्यूटिफुल. इट इज वेरी बिग. इट इज वेरी स्पेसियस. इट हैज मैनी विंडोज एंड डोर्स. इट इज वेल वेंटिलेटेड. यहाँ अच्छी बात यह, इट हैज ए ब्लैक बोर्ड एज वेल एज व्हाइट बोर्ड. इट इज ए स्मार्ट क्लास डेट इज इट हैज प्रोजेक्टर्स एंड वी कैन सी एनिमेशन एंड पिक्चर रिलेटेड टू ईच सब्जेक्ट एंड चैप्टर. It has one dustbin, cupboard, lecture stand, teacher table, chair, desks for the student. My class also has information board which is decorated with the informative topic by the student with different charts, topic related to particular theme. It is the speak span. It has also curtains to give it pleasant look. Name the object mentioned in the poem which are also found in your school. Windows, playground, register, books, papers, etc. You can write as many things as your school has. This is, dear students, about the lesson. I have given you a brief summary in Hindi as well as English. I have also covered the textual questions as well as comprehensions, where you have to read the passage and answer the questions asked in the examination. Once again, thank you, students. Stay home, stay healthy, and